ये देखिए विष्णु हॉस्टल से, और आज हम जा रहे हैं सरसू, जो सामने वाली पहाड़ी पे एक मंदिर है उसमें। तो मेरे साथ होंगे मेरे फ्रेंड घनश्याम, और ये देखिए पीछे साहिल कुमार। तो देखिए आप थोड़ी देर में आपको हम ले चलते हैं, तो बने रहिए एंड वेलकम टू द वॉन्डरिंग फ्रॉम ब्लॉग्स। पड़े हैं इस वक्त और बचे हैं 3, एंड वी आर गोइंग टू दी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सिरमौर एंड विद मी माय फ्रेंड साहिल। तो बने रहिए वॉन्डरिंग टॉमो ब्लॉग्स पर, और हम जा रहे हैं आज एक बाय बाय। दो रोड्स हैं, एक रास्ता है यहाँ बाया भोज घाट होके, अगर हम जाएँ नारक से रास्ता जाता है ऊपर को, और एक रास्ता है गिरीपुर वाली साइड से मरियोग गांव से। तो हम जा रहे हैं गिरीपुर वाली साइड से, तो चलिए हमारे साथ, हम ले चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर, और मेरे साथ हैं साहिल। तो बने रहिए आप इस वॉन्डरिंग टॉमो ब्लॉग्स पर। सी यू। ये यहाँ से पुल क्रॉस होगा और हम सीधा दाड़ो जाएंगे। तो अब हम नए रास्ता काट लिया है गिरी पुल से पीछे से, एंड मेरे साथ मेरे फ्रेंड साहिल चौहान, और आप नीचे देख सकते हैं गिरी नदी जा रही है। सो थोड़ी देर में हम सरसू ऊपर पहुँच जाएंगे और आपको वहाँ से दिखाएंगे बहुत ही मैजेस्टिक व्यू और बहुत ही अच्छा व्यू। तो बने रहिए वॉन्डरिंग थॉमो ब्लॉग्स। थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि जो पिछले वाला रास्ता था वो बहुत ख़राब था, ऑफ रोड था ज़्यादा, बट अब हम सीधा नारा की तरफ जा रहे हैं। बट बीच में आप देख सकते हैं हम यहाँ रुके हैं, और नीचे देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे देखिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन, और यहाँ जहाँ तक देखेंगे आप वहाँ पर सेब की खेती है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखिए सेब की प्लांटेशन की हुई है इस जगह पर, काफ़ी हाइट पर है, और ये देखिए काफ़ी अच्छी स्पेसिंग पे साथ, और ये देखिए कितनी सुंदर दृश्य और ये नज़ारा इस वैली का। तो चलिए आपको हम नारक की तरफ ले चलते हैं। रास्ता रहा है, अब हम नारक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 10-11 किलोमीटर, और गांव में पहुँचे हैं। वो दाड़ो गांव बहुत ही अच्छा गांव है, यहाँ पार्किंग देखने को मिल रही है, लोगों ने टमाटर लगाए हैं, बहुत ही सुंदर गाँव है, पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अगर इस साइड को देखें तो यहाँ पर मक्की की कटाई भी कर दी गई है, और आप रोड देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बना गया है, यहाँ पर पंचायत द्वारा डेवलपमेंट, और हम आपको सीधा ले चलेंगे नारक की तरफ। जहाँ पहुँचे इस वक्त ये देखिए जंगल जैसे में गांव में, और पीछे मेरे ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी दिख रही है। आई वांट टू शो यू द यूनिवर्सिटी का जितना भी हमारा पूरा कैंपस दिख रहा है, जितनी हमारी फील्ड हैं इस तरफ को मॉडर्न फार्म, और वो देखिए सामने हमारा LSTE सेंटर। तो हम सीधी वाली सामने वाली पहाड़ी पर हैं, और हम यहाँ से ऊपर सरसू जाएंगे। तो चलिए पहुँचे, पर हमने जब पीछे देखा तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी गायें हैं, और आ जाइए आपको दिखाते हैं, तो देखिए कितने घास खा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए छोटे सा बच्चू, और ये देखिए गाय गाँव माता, और इतना छोटे सा बच्चू, आप भी बच्चू हो। तो चलिए अब हम आपको सरसू ले चलते हैं। आगे में पहुंच गए हैं, अब हम यहाँ से रास्ता कटेगा ऊपर को, एंड देन वी विल गो टू द सरसू। देख सकते हैं नारक है, और हम नारक से पहुंच गए, अब हम सरसू जाने के लिए ये रास्ता है, ये देखिए पक्का रास्ता है बिल्कुल, अब हम यहाँ से सीधा सरसू की तरफ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा एडवेंचरस राइड रही ये, हम परे से आए गिरीपुल होकर, 15 किलोमीटर का पैच था जो ऑफ रोडिंग थी, और रोड अच्छा था, पर अब ऊपर को भी रोड अच्छा है, बिल्कुल पक्का है, थोड़ा थोड़ा बीच में ख़राब है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। तो वी विल डेफिनेटली मीट यू देयर अप एट सरसो, स्टे ट्यून्ड ऑन द वॉन्डरिंग टॉमो व्लॉग।
ने रेनकोट पहन लिया, बट नाव हम पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है मेरे पीछे, जो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बीच ऊपर जा रहे हैं। एंड थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं सरसू विलेज इन सिरमौर। तो हम सरसू की पहाड़ियों पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से एटलीस्ट सिर्फ 1 किलोमीटर हम पीछे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्टर YSP का प्लेग्राउंड दिख रहा होगा। देखिए जैसे साहिल बोल रहे हैं प्लेग्राउंड या पूरी यूनिवर्सिटी दिख रही है, हमारा पूरा कैंपस दिख रहा है, और ये पहाड़ी दिख रही है और वैली, और ये बहुत टॉप पर है। मैं सब कहने की तो मैजेस्टिक व्यू फ्रॉम हियर, बहुत अच्छी सीनरी। ये देखिए हमारे पॉली हाउस, हमारे जितनी फील्ड हैं, और यहाँ नीचे जितने भी गाँव लगते हैं नारक से लेकर ऊपर तक देख सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर व्यू, एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट। तो अब हम ऊपर सरसू की तरफ चलते हैं। तो विलेज पहुँच गए हैं और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो साहिल आपको पता है मंदिर कहाँ है? इसी रास्ते पे है, और हम अब आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ेंगे और हम सरसू के मंदिर पहुँच जाएंगे। हम सरसू टॉप पे पहुँच चुके हैं गांव पे, और यहाँ देखिए आरती हो चुकी है मट्टी के, यहाँ मक्की को बिछाया हुआ है सूखने के लिए। ये किसान है भैया हमारे, जिन्होंने एक काम किया है। सर कितना टाइम हो गया मक्की को आ गया? 4 से 5 दिन तो बारिश हुई थी उससे पहले की। और इस बार मक्की कैसी हुई आपके यहाँ? आपने अच्छा मक्की की, और ये अपने लिए ले लेते हैं कि बेचने के लिए भी? तो बेच भी देते हैं बाद में। अच्छा, तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं, और ये देखिए काफी अच्छी है, बिल्कुल प्योर है। और ये देसी है जी? देसी है। बिल्कुल प्योर देसी है। और ये इस वक्त हम सिरमौर के सरसू विलेज में हैं, और इसके बाद हम आपको यहाँ का बहुत ही सुंदर मंदिर है ऊपर। सर ये मंदिर ज्वालामुखी का मंदिर? अच्छा, ज्वालामुखी माँ का मंदिर है, तो वहाँ ले चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सर। पहुंच गए अंदर जय ज्वाला माँ, और हम यहाँ देखिए ज्वाला माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए ये मंदिर है, मेरे साथ है ये, और ये देखिए यहाँ पर अंदर को यहाँ से देख सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं। माता जी की ज्योत जली हुई है, धूप लगा हुआ है, आप जय माता की। और ये देखिए यहाँ पर भैरव, और इसके बिना दर्शन के बिना जो माता का मतलब जो कहते हैं ना कि बिना भैरव जी के अगर हम माता जी की दर्शन भी करें या पूजा करें तो उसे पूरा नहीं मानना जाता है, तो बिना भैरव जी के दर्शन। और यहाँ से आप देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य, और बहुत ही अच्छा यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। और इधर यहाँ देखिए, इधर को आइए मेरे साथ, पीछे वाला हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे को गाँव है और भव्य दृश्य मेरे साथ, और ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पे जो है लोग थोड़ी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ देसी वैरायटी लगाई है मक्की की, आप देख सकते हैं मक्की इस वक्त यहाँ पर हार्वेस्टिंग चली है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इस सब हालांकि थोड़े थोड़े बादल हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, बट माता की कृपा है, फिलहाल हम बच गए हैं बारिश से। तो जय माता की। अब हम आपको सीधा मिलेंगे नीचे नानी में। पहुँच गए अंदर ज्वाला माई के मंदिर स्टॉप पर, और ये देखिए पीछे बहुत ही शांति है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, बिल्कुल टॉप पर है। और हमने माता की जो जला दी है, जय जो हम यहाँ से निकल जाएंगे दोबारा सोलन के लिए, नानी के लिए, पर यहाँ आकर काफी शांति मिली मन को। और ये देखिए माता का मंदिर है जिस तरह से बनाया गया है, अंदर को एक गुफा की तरह इसे बनाया गया है, और बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ पर। जय माता की। और हम सामने की तरफ जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं
वहाँ पर टॉप पर और नीचे को थोड़ी सी खाई है, स्लोप है, बट संभल के चलना पड़ेगा रास्ते पे। तो ये देखिए, और हम सीधा सामने मिलते हैं। बिल्कुल सामने यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ भी नहीं बोलेंगे, पहाड़ी है, जहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, बट जब आप इसके टॉप पे पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे बिल्कुल सारी वैली दिख रही है। तो क्या कहेंगे साहिल, पीछे का व्यू कैसा है? वन ऑफ द वंडरफुल, बहुत ही बेस्ट व्यू है। आप भी ज़रूर आइए, और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश वाला, पर फिर भी हम आए और माता रानी ने बुलाया था, तो जय माता की। और इसी के साथ ये सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म। तो हम चले थे नौनी से और सीधा पहुँचे सरसू, और आपको भी मज़ा आया होगा। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं इस पूरी वैली का, जो सामने हमारा कॉलेज भी दिख रहा है। हाँ, उस दिन थोड़ी बारिश थी और बादल थे तो इतना साफ नहीं दिख रहा था, पर ज़रूर आएँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। और अपने दोस्तों के साथ घूमने ज़रूर आएँ इस सरसू विलेज सिरमौर में, जो कि नारक से रास्ता कटता है। तो सब्सक्राइब एंड लाइक वॉन्डरिंग थॉमो को ना भूलिएगा। तो अगले व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे जो मेरी जर्नी रही 20 दिनों की, उसमें जहां आपको कांगड़ी धाम के साथ साथ मंडियाली भी और साथ में हमीरपुरी धाम भी, और शादियां जो मैंने अटेंड की। तो बने रहिए वॉन्डरिंग थॉमो।